हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसा गैजेट बनाएंगे जो मार्केट में आप लोगों को 2000 रुपये के आसपास में मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें पैसा ना लगा के, हम लोग के पास में पूरा सामान पड़ा रहता है घर पे, पुराना मोबाइल का बैटरी पड़ा रहता है, तो यह गैजेट हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम थर्माकोल पर कुछ डिज़ाइन करते हैं, बच्चे लोग कुछ भी आर्ट करते हैं, और उसको बाद में कट करने के लिए हमें कैची या फिर चाकू की मदद लेनी पड़ती है, तो वो एकदम परफेक्टली वर्क नहीं करता है, यानी कि परफेक्ट तरीके से नहीं करता है। देखिए, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, मैं भी कुछ चाकू से काटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये एकदम अच्छी तरीके से हम इसे काट नहीं पा रहे हैं, और ये ज़्यादातर टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे परफेक्ट तरीके से काटने के लिए हम एक गैजेट बनाएंगे जिसका नाम है थर्माकोल कटर। ठीक है दोस्तों, तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इस गैजेट को बनाने के लिए हमें एक मोबाइल का बैटरी लगेगा जो आपके पास घर पर पड़ा होगा, और दो छोटे छोटे टुकड़े वायर के, एक लकड़ी का टुकड़ा और एक टंगस्टन वायर कुछ 2 से 3 इंच का। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसके लिए लगेगा हमें टेप रोल और एक USB डेटा केबल। ठीक है दोस्तों, और एक स्विच लगेगा दोस्तों, जिसे हम ऑन ऑफ के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमें दो हार्ड वायर चाहिए जो आपकी सर्विस केबल में से आप ले सकते हैं, और उसमें दो कॉपर के हल्के वायर लेने हैं, और उसे दोनों को इस तरीके से कुछ सोल्डरिंग कर देंगे। साथ ही साथ USB डेटा केबल को हम प्लस और माइनस दे करके बैटरी में सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम इन दोनों को बैटरी में कनेक्शन करेंगे। उससे पहले हमें लकड़ी में इन दोनों वायरों को कुछ इस तरीके से सेट करना होगा, और इसके साथ में बैटरी को भी हम सेट कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इतना ध्यान रखना है कि दोनों वायर जो हमारे लकड़ी के बाएं और दाएं तरफ से निकले हुए हैं, वो आपस में टच ना हो। अगर दोनों आपस में टच होंगे तो हमारा गैजेट काम नहीं करेगा, और बैटरी में शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप पूरे ध्यान से काम कीजिएगा, और इसमें टेपिंग करने के बाद हम इसके ऊपर बैटरी को सेट करेंगे, और बैटरी को भी हम टेप से अच्छी तरीके से सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों, हमारा टेपिंग का काम पूरा हो गया, आप देख सकते हैं, और इसमें हम अभी बैटरी में दोनों का वायरिंग का कनेक्शन कर देंगे। इसमें से एक वायर को हमें लूज निकालना होगा दोस्तों, जिसे हम ऑन ऑफ स्विच में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं, दोनों वायर में हमें सप्लाई हमको 3 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, हमें 3 वोल्ट इसमें कम्प्लीट मिल रहा है, तो हमारा यह गैजेट यहाँ तक कम्प्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। इसके बाद हम लेंगे एक ऑन ऑफ स्विच, इसकी भी वायरिंग हम कर देंगे और बैटरी के साथ कनेक्शन कर देंगे, ताकि हमें यह ऑन ऑफ करने में परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ऑन ऑफ स्विच को हमने कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया है, देख सकते हैं आप, पुश बटन है दोस्तों, इसको हम पुश करेंगे तो इसमें से पावर सप्लाई ऑन होगा, और छोड़ने से पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है, हमें एक वायर सीधा बैटरी में कनेक्शन करना है, और एक वायर डायरेक्ट जो हमारी टंगस्टन वायर के साथ कनेक्टेड रहेगी उसके साथ करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसे भी पूरा कर देते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसका टेपिंग वेपिंग पूरा कर दिया है, ऑन ऑफ स्विच भी इसका रेडी हो गया है। अब इसमें दोस्तों 2 इंच का हमें टंगस्टन वायर लेना है, ताकि हमें बैटरी में ज़्यादा लोड ना आए और हमारा कटिंग ईजिली हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो टंगस्टन वायर को कुछ इस तरीके से हमें सेट करना है, देख सकते हैं आप, दोनों हिस्सों में पूरा टाइट करके लपेट दीजिएगा इसमें। ठीक है ना, तो फटाफट से इसे हम लपेट देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, अभी इसमें हम बाहर से हल्की कॉपर की रिंग बना देंगे दोस्तों, ताकि इसे सपोर्ट मिला रहे और हमारा वायर यहाँ से छूटे ना। ठीक है, तो फटाफट से इसे सपोर्ट भी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने इसे सपोर्ट कर दिया है, और फाइनली हमारा गैजेट कंप्लीट हो गया, और ये हमारा USB केबल, जिसे हम किसी भी चार्जिंग में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका ट्राई करते हैं। अभी ये हमारा पुश बटन, यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं हम,
पुश करने से हमारा टंगस्टन का जो वायर है वो गर्म होगा और हमारा थर्माकोल इजीली से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं इसे। एक छोटा सा पीस मैंने थर्माकोल का ले लिया है और देखिए कैसा यह वर्क करता है। इसे हम पुश करते हैं यहाँ से, तो इसमें से हल्का सा धुआं निकल रहा है और इसका जो टंगस्टन वायर है वो रेड कलर का हो रहा है, यानी कि हमारा गैजेट प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितना इजीली से यह कट जा रहा है, अभी देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, इस यूएसबी केबल को आप कोई भी चार्जर में फिक्स करके आप इसे चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह गैजेट चार्जिंग 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बैटरी का प्रोटेक्शन लगाया नहीं है, डायरेक्ट बैटरी इसमें लगाई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ कलाकारी की हुई है, इतना अच्छा कलाकार तो मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा ट्राई करने के लिए मैंने इसे बनाया था। तो देख सकते हैं आप, कट करके देखते हैं दोस्तों इसको। तो ये रहा हमारा गैजेट और देखिए दोस्तों कितना ईजी तरीके से यह कट रहा है और इसे कटिंग करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, एकदम सफाई से यह कटिंग कर रहा है। ठीक है, तो मुझे तो हैबिट नहीं है दोस्तों इसे कट करने की, बट जो भी आर्टिस्ट होंगे जिसे थर्माकोल पर डेकोरेशन करना आता होगा वो बहुत जल्दी जल्दी और इजी तरीके से इसे कट कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।